हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स का एक टॉपिक बता रहे थे कैपेसिटेंस। उसी का आगे एक कंसेप्ट बताएंगे कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटेंस में हमने बताया था कि किसी भी कंडक्टर को कितना चार्ज आप दे सकते हो, कितना चार्ज आप दे सकते हैं। तो बताया गया था कि भाई जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो होता क्या है, जब इसको चार्ज आप देते हैं, मान लिया आपने चार्ज इसको दिया, कैसे चार्ज आप देंगे, कहीं से चार्ज आप लाएंगे। मान लिया दो बॉडीज हैं, उनको आप आपस में रगड़ा, उसमें एक नेगेटिव हो गई, एक पॉजिटिव हो गई। शुरुआत में तो न्यूट्रल था, जो पॉजिटिव हो गई उसको इसको टच करा दिया हमने, तो पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो आप इसको प्लस चार्ज दोगे, एक चार्ज दिया, दूसरा चार्ज दिया, तीसरा चार्ज दिया, जैसे जैसे चार्ज देते जाते हैं वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। ठीक है, और चार्ज इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब मान लिया हमने बताया है इसको पहले भी, इसकी पहले का वीडियो देख लीजिएगा। अब हमने मान लिया इसको 50 कूलाम चार्ज दिया, मान लेते हैं, और इसका पोटेंशियल बढ़ा 50 वोल्ट। ठीक है, यानी कि 50 कूलाम का चार्ज दिया हमने, इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट हुआ। आसपास एयर है, यहां पर एयर है, एयर मॉलिक्यूल है, और इसके एयर मॉलिक्यूल के इसके इलेक्ट्रॉन आपस में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, जब इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दिया तो इलेक्ट्रॉन और इस प्लस चार्ज के बीच कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। यानी ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना रहा है, ये वाला जो कंडक्टर है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन 50 वोल्ट वोल्टेज तक हम देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस एयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच पाता। क्यों? क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इस वाले फोर्स से ज़्यादा है। लेकिन जैसे हमने इसको 51 चार्ज दिया, 51 वोल्ट इसका पोटेंशियल किया, या 51 चार्ज दिया, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तो हम देखते हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन टूट करके यहाँ पर आ जाता है और इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो फिर चार्ज कितना हो गया, 50। हमने 52 दिया तो एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से एयर मॉलिक्यूल का टूट करके आया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, फिर कितना चार्ज बचा, 50। तो हम ये देख रहे हैं कि एक लिमिट के बाद इसको चार्ज देना संभव नहीं है, असंभव है। क्यों? क्योंकि जब इसको हम चार्ज दे रहे थे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ गया था कि आसपास की एयर की जो एयर थी वो आयनाइज होने लगी, या यूं कहिए कि एयर के जो मॉलिक्यूल है वो टूट करके, इलेक्ट्रॉन टूट करके इसमें आने लगे, और ये जो ब्रेकडाउन वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होती है। यानी जब इतना इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁶ इतना जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्रिएट हो जाएगा तो इसके बाद इसको आप चार्ज नहीं दे सकते, क्योंकि जितना भी चार्ज देंगे वो लीक हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। यानी एक चीज़ तो हमने देखी कि किसी कंडक्टर को हम चार्ज एक लिमिट के बाद इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। हाँ, एक शर्त पे दे सकते हैं, अगर ये कंडक्टर जो है वैक्यूम में रखा होता, निर्वात में रखा होता, तब मैं इसको कितना भी चार्ज दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि चार्ज के लीक होने का कोई भी जुगाड़ नहीं है, क्योंकि बगल में कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो इसको न्यूट्रलाइज कर सके, तब चार्ज दे सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हम जहां पर हमें इसकी आवश्यकता है वहां पर यह संभव नहीं है कि आसपास वैक्यूम हो, या तो हम उसको लेकर के स्पेस में चले जाएं, हमें रहना तो अर्थ पे है। तो हमारे पास एक दिक्कत आई कि हम किसी कंडक्टर को एक लिमिट से ज़्यादा उसको चार्ज नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, अभी हम बात करते हैं। तो हमें करना ही पड़ेगा, कुछ ऐसा कर दें कि जैसे इसका वोल्ट, हमने कहा 50 वोल्ट से ज़्यादा हम कर देते हैं तो लीक हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। तो हम कुछ ऐसा कर दें कि इसका जो पोटेंशियल है वो 50 से कम कर दें, कुछ कम हो जाए। कैसे करेंगे ना, समझिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इसको आपके सिलेबस से मतलब नहीं है, कैपेसिटर में बता रहा हूँ, बस इतना समझाना है कि आखिर ये क्या इसका यूज़ है, किस लिए इसको बनाया गया और कैसे इसको बनाया गया, क्या कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने लगाया। देखिए, एक कंडक्टर लिया गया, ये कंडक्टर लिया गया, कैसा कंडक्टर है, ऐसा कंडक्टर है, ऐसा इसको चार्ज दिया गया है, और हमने इस कंडक्टर का ये वाला पार्ट आपको दिखाया है। कंडक्टर ऐसा भी हो सकता है
और ये कंडक्टर ऐसा भी हो सकता है। हमने केवल इस कंडक्टर का ये वाला पार्ट आपको दिखाया, ये बनाया है, ठीक है, यानी ये पूरी प्लेट ऐसे है, हमने ये ऐसे रखी है, तो ये प्लेट का ये कॉर्नर आपको दिखाई पड़ रहा है। शुरुआत में ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। हमने क्या किया, जरा ध्यान से समझिएगा, इसको हमने प्लस चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया। तो जैसे चार्ज आप देते हो वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, इसका विभव बढ़ जाता है। क्यों भाई, एक चार्ज आप दोगे इसके अंदर, दूसरा चार्ज इसके अंदर ले जाओगे, तो दूसरा चार्ज जब इसके अंदर जाएगा, किसी कंडक्टर को आपने एक प्लस चार्ज दिया, जब दूसरा चार्ज इसके अंदर एंट्री करोगे तो पहले वाला चार्ज उसको वेलकम तो नहीं करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो अब रिपेल कर रहा है, इसको प्रतिकर्षण हो रहा है, तो आपको जरा ताकत लगा के पुश करके अंदर इसके अंदर चार्ज को मर्ज करना पड़ेगा, तो आपको काम करना पड़ेगा, वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। और आप जानते हैं एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यही पोटेंशियल होता है, तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक, अब जरा समझिएगा, हमने मान लिया कि इसका पोटेंशियल, हमने जब चार्ज इसको प्लस दिया था तो इसका पोटेंशियल हो गया प्लस का 70 वोल्ट, मैं मान लेता हूं प्लस 70 वोल्ट हो गया। और हमने ये माना कि इसके बाद इसको चार्ज नहीं दिया जा सकता, नहीं संभव है। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, एक दूसरी मेटल प्लेट ली, ऐसे ही बिल्कुल सेम प्लेट ली, ये प्लेट थी, एक दूसरी मेटल प्लेट ली और इसके सामने ला करके रख दिया, थोड़ी दूरी पर ऐसे रख दिया हमने, ये ऐसी प्लेट है, ऐसी प्लेट है, ऐसे रखा है, तो ये वाला पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे मेटल प्लेट रखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये भी न्यूट्रल है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इसलिए न्यूट्रल है, उदासीन है। ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इसको इंडक्शन कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये प्लस निगेटिव चार्ज इधर खींच के आ गया, ये माइनस थोड़ा शिफ्ट हो गया, इधर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। अब जरा समझिएगा, ये माइनस चार्ज क्या करेगा, ये भी पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो हमने माना कि ये माइनस की वजह से यहां, चूंकि थोड़ी दूरी है तो थोड़ा कम पोटेंशियल क्रिएट होगा, हमने कहा माइनस की वजह से पोटेंशियल हुआ माइनस का 20 वोल्ट, तो अब कितना बचा, प्लस का 50 वोल्ट। जरा समझिएगा, इसका पोटेंशियल कितना था, प्लस का 70, इसके बाद आप इसको चार्ज नहीं कर पा रहे थे, संभव नहीं था। आपने एक मेटल शीट ली, उसको इसके नजदीक लाए, और नजदीक लाए तो इसके जो नेगेटिव चार्ज होंगे उसको इसने अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया, तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा अपनी जगह से शिफ्ट कर गए, जिसको कि आप कहते हैं पोलराइज हो गए, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज हो गए तो इस नेगेटिव की वजह से यहां माइनस 20 वोल्ट पोटेंशियल क्रिएट हो गया, तो अब कितना हुआ, प्लस 50। अब तो इसको चार्ज कर सकते हो भाई, प्लस 70 के बाद उसका पेट भर गया था, थोड़ा त्रिफला पाउडर खिला दिया हमने उसको, माइनस 20 वोल्ट का थोड़ा पेट खाली हो गया है, अब उसको और चार्ज दे सकते हैं। लेकिन एक लफड़ा है, जरा समझिएगा, इस प्लेट के इधर माइनस हो गया तो इधर प्लस हो गया, थोड़ी सी दूरी है बस अंतर, थोड़ा सा, थोड़ी प्लेट हल्की सी मोटी है तो ये माइनस बिल्कुल बगल में प्लस, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, हल्की सी दूरी अंतर है। तो क्या किया, इस प्लस ने भी यहां पर वोल्टेज क्रिएट किया प्लस का 15 वोल्ट, तो अब हो गया 65 वोल्ट। लफड़ा हो गया कि इस माइनस ने तो माइनस 20 किया था, वोल्टेज कम करके 50 कर दिया, लेकिन प्लस ने क्या किया, प्लस 15 कर दिया, तो 65 अभी भी है, थोड़ा सा अंतर आया, लेकिन अब इतना चार्ज तो हम कर नहीं सकते। तो हमने क्या किया, इसको अर्थ से जोड़ दिया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो पूरा का पूरा अर्थ में चला गया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये पूरा का पूरा अर्थ में चला गया, अब इसको आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये कैपेसिटर का कंसेप्ट होता है कि दो पैरेलल प्लेट्स हम रखते हैं, एक में प्लस क्यू चार्ज देते हैं, दूसरे में अपने आप इंडक्शन के द्वारा, प्रेरण के द्वारा, उसके अंदर वाले पार्ट में माइनस चार्ज हो जाता है, बाहर प्लस होता है, और बाहर को अर्थ से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब आप प्रश्न कहेंगे भाई अर्थ से कैसे जोड़ते हैं, कोई एपरेटस है उसमें अर्थ तो होती नहीं, कैसे अर्थ करेंगे, अर्थिंग आपने सुना होगा, तो हम क्या करते हैं उस एपरेटस के बॉडी से उस चार्ज, उस तार को जोड़ देते हैं, ठीक है, उसी को अर्थिंग कहा जाता है। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आपके राइज हो रहा होगा कि भाई जब इसको प्लस आपने दिया तो इधर बाहर माइनस होना चाहिए, जैसे यहां माइनस था बाहर प्लस हो गया, तो इसको प्लस दिया तो बाहर माइनस होना चाहिए। जी नहीं, शुरुआत में यह न्यूट्रल था, यह उदासीन था, हम इसके पास चार्ज ही नहीं था,
हमने प्लस दिया ना इसको, तो इसके पास कहां चार्ज आ गया माइनस, इसने क्या किया इसके चार्ज को अपनी ओर खींच लिया है, निगेटिव चार्ज को खींच लिया इधर, इसलिए उधर अपने आप प्लस हो गया है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल बनाते हैं, प्लस माइनस मिलकर के उदासीन बनाते हैं, और जब माइनस को खींच लोगे थोड़ा दूर कर दोगे तो प्लस थोड़ा उससे दूर हो जाएगा, तो एक प्लस माइनस नजदीक रहेंगे लेकिन इधर माइनस उधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर क्या होता है, एक पैरेलल प्लेट्स का अरेंजमेंट होता है किसी भी शेप का, और उसमें चार्ज को स्टोर किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि भाई चार्ज को स्टोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज को स्टोर करने का काम बैटरी के पास भी होता है, मेरे पास तो ऑलरेडी बैटरी होती है उसमें चार्ज को स्टोर करते हैं, तो इसका क्या यूज है भाई, क्यों आपने इसको बनाया। देखिए ध्यान से, बैटरी में चार्ज स्टोर करते हैं आप, हर जगह बैटरी होती है, मोबाइल में बैटरी होती है, कैमरे में बैटरी होती है, ठीक है, हर जगह होती है। मान लिया हमको चार्ज एकदम से कहीं चाहिए, एकदम से कहीं चार्ज चाहिए, और चार्ज स्टोर है, वहां से चार्ज धीरे धीरे आएगा, यहां इकट्ठा होगा धीरे धीरे। हमको मान लिया 10 वोल्ट का चार्ज चाहिए, 10 एम्पियर की करंट चाहिए, एकदम से करंट चाहिए क्षणिक, विद इन सेकेंड, और बैटरी के पास है 20 एम्पियर की करंट, बैटरी के पास बहुत करंट है, लेकिन ये 10 एम्पियर इंस्टेंटेनियस वो नहीं दे पाएगी, क्योंकि बैटरी से हम कहेंगे चार्ज दो, फिर बैटरी के टर्मिनल्स में जो आयंस होंगे वो मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करके वो आएंगे, एक एक करके इकट्ठा होंगे, तुम आओ राम आओ श्याम आओ बैठो इधर आओ, 10 एम्पियर होगा, बोले हाँ क्या काम है, बोले काम खत्म हो गया, हमने आपसे जब कहा था एकदम से 10 एम्पियर आइए, तो एकदम से करंट आप इस बैटरी से नहीं दे सकते। ये क्या करता है, इंस्टेंटेनियस चार्ज को ट्रांसफर कर देता है। जैसे मान लिया हम आपसे कहें कि यहाँ पर एक बाल्टी पानी ना दीजिए, एकदम से डालिए यहाँ पर, ठीक है, कहीं आग बुझानी, एकदम से आपको पानी डालना है वहाँ पर, और आप टंकी पे 1000 लीटर है, वहां से आपने नल खोला, धीरे धीरे पानी आया, तो धीरे धीरे आ रहा, जबकि वहां 1000 लीटर है और हमको 20-25 लीटर चाहिए, और बाल्टी एकदम से ना देती है तो एकदम से चार्ज को दे देता है। यूज क्या होगा, जैसे कैमरा है, कैमरे में फ्लैश आप ऑन करके जो है फोटो लेते हैं, तो फोटो में हमको क्षणिक फ्लैश चाहिए, एकदम से फ्लैश चाहिए, तो बैटरी होती है हमारे मोबाइल में बैटरी होती है, कैमरे में बैटरी होती है, तो क्या होता है उसमें कैपेसिटर लगा होता है, इसको हिंदी में संधारित्र कहते हैं, हिंदी में इसका नाम क्या है, संधारित्र होता है, तो इसमें चार्ज स्टोर होता है, और जब हम उसको क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा चार्ज, क्योंकि हम उसी साइज उसी हिसाब से उसको बनाते हैं कि हमको कैमरे में कितना चार्ज चाहिए, कितना करंट चाहिए, उसी हिसाब से उसको बनाते हैं, उसी साइज का कैपेसिटर बनाते हैं, तो जैसे हम फ्लैश, जैसे हम फोटो लेते हैं वैसे एक सेकंड के लिए फ्लैश होता है, करंट एकदम से रोशनी होती है और वो डिस्चार्ज हो जाता है, कैपेसिटर खाली हो जाता है, फिर बैटरी उसको चार्ज करती है, यानी वो उस बाल्टी में पानी धीरे धीरे हम भरते रहते हैं, जब जरूरत होती है तो ना देते हैं, तो ये कैपेसिटर का काम होता है। ठीक है, ये क्यों रखा जाता है हमने बताया, और इसका काम क्या होता है। अब जैसे बाइक होती है, बाइक में बैटरी होती है, हॉर्न बजाते हो, पे 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 बजाते चले जाते हो, फॉरेन वगैरह में कहीं पर कुछ कंट्रीज में उन्होंने क्या किया है कि भाई बैटरी लगी है हॉर्न के लिए, आप हॉर्न दबा दीजिए और बजाते चले जाइए, बगल वाला भी डिस्टर्ब हो रहा है, उन्होंने कैपेसिटर लगा दिया, वो बैटरी का काम नहीं करते, जब गाड़ी चलाते हो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, जैसे आप हॉर्न बजाओगे एकदम से हॉर्न बजेगा, कैपेसिटर पूरी करंट उस हॉर्न को दे देगा, हॉर्न बज जाएगा, कैपेसिटर खाली हो जाएगा, अब उसके बाद हॉर्न नहीं बजेगा, फिर छोड़िए हॉर्न, फिर वो चार्ज होगा, फिर बजाइए, फिर छोड़िए, फिर बजाइए, लगातार आप नहीं बजा सकते, आप बेल की तरह बजाइए छोड़िए बजाइए छोड़िए, ठीक है, तो कैपेसिटर वहां भी यूज अब करने लगे हैं, तो ये कैपेसिटर का यूज है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, तो कैपेसिटर में क्या होता है कि उसमें एनी शेप, किसी शेप की एक प्लेट होती है, वी गिव चार्ज प्लस क्यू टू वन प्लेट एंड बाय इंडक्शन माइनस क्यू चार्ज डेवलप्ड इन द इनर साइड ऑफ द प्लेट एंड द आउटर साइड ऑफ प्लेट इज कनेक्टेड टू द अर्थ। क्यों होती है वो आपको यहां लिखने की जरूरत नहीं है कि बाल्टी होती है ये होती है, वो कुछ नहीं लिखना है, ये आपके समझने के लिए हमने किया है। जैसे आपने देखा होगा पंखे में कंडेंसर लगा होता है, दैट इज कैपेसिटर। क्या काम उसका होता है, वो चार्ज को स्टोर रखता है, चार्ज उसमें स्टोर रहता है, कभी मान लिया कम लाइट आई थोड़ा डाउन हुआ तो वो चार्ज को सप्लाई कर देता है पंखे में, ज़्यादा लाइट आई तो स्टोर कर लेता है, तो एक मेंटेन रखता है, एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज पंखे में, ये कंडेंसर का वहाँ काम होता है, दैट इज आल्सो कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर होता है,
अब आते हैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब समझिएगा, यहां से आपका सिलेबस शुरू हुआ है कि कैपेसिटर क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या होता है कि इट इज द पेयर ऑफ टू प्लेट्स ऑफ एनी शेप एंड साइज, एंड सपोज पी एंड क्यू आर द प्लेट्स, एंड प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू प्लेट पी, प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू प्लेट पी, एंड बाई इंडक्शन माइनस क्यू चार्ज इज डेवलप्ड इन द इनर साइड ऑफ द प्लेट क्यू, एंड द आउटर साइड ऑफ द प्लेट क्यू इज कनेक्टेड टू द अर्थ। तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज कैपेसिटर। ठीक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, मान लिया ई, जो प्लस से माइनस की ओर होता है। आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है। तो इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता, धारिता। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं कि मान लिया इनके प्लेट के बीच की दूरी d है, तो अगर आपने प्लस क्यू चार्ज दिया तो इसमें एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ होगा v। ठीक है, तो पोटेंशियल v अपान क्यू अपान v, क्यू अपान v इज नोन एज c। इफ q चार्ज इज गिवन टू द कैपेसिटर एंड v इज द पोटेंशियल राइज, देन रेशियो ऑफ द चार्ज टू द वोल्टेज टू द पोटेंशियल इज नोन एज कैपेसिटेंस। इसका यूनिट कूलाम पर वोल्ट, या दूसरा यूनिट बताया गया था फेरेट। ये कैपेसिटर होता है, ये इसका कैपेसिटेंस होता है। अब कह रहे हैं इसका कैपेसिटेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये डायग्राम याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, अभी जरूरत पड़ेगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, किन किन बातों पर इसका कैपेसिटेंस, मतलब ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये किस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला बताया गया ऑन द एरिया ऑफ प्लेट, ऑन द एरिया ऑफ प्लेट, यानी प्लेट के क्षेत्रफल पे। कैसे भाई, सिंपल सी बात है, अगर मैं इस प्लेट का एरिया ज्यादा बढ़ाऊंगा तो उसमें चार्ज हम ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, यानी सी प्रोपोर्शनेट ए, यानी एरिया जितनी ज्यादा होगी उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। हिंदी में बहुत ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर मतलब संधारित्र होता है और कैपेसिटेंस का मतलब होता है उसकी धारिता। ये संधारित्र है, संधारित्र है और ये इसकी धारिता है, यानी चार्ज को धारण करने की क्षमता, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। तो अगर एरिया बढ़ा देंगे तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। दूसरी बात, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के बीच की दूरी पर, दूरी पर, प्लेट के बीच की दूरी पर। जरा समझिएगा, हम एक प्लेट रख रहे थे पहली वाली, और दूसरी वाली प्लेट अगर बहुत दूर आप रख देंगे तो इंडक्शन नहीं हो पाएगा ना, ये वाली प्लेट इसको निगेटिव नहीं कर पाएगी, और ये निगेटिव नहीं करेगी तो यहां निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट नहीं हो पाएगा और पहले वाले के पोटेंशियल को कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले वाले का पोटेंशियल कम हो जाए तो चार्ज को और स्टोर किया जा सकता है। यदि अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो उसकी कैपेसिटी घट जाएगी, डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो सी घट जाएगी, डिस्टेंस घटा दोगे तो सी बढ़ जाएगी। तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी यहां तो डायरेक्टली होता है, ये इन्वर्सली होता है। तीसरा पॉइंट है ऑन द डायलेक्ट्रिक, ऑन द डायलेक्ट्रिक ऑफ मीडियम, डायलेक्ट्रिक ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट,
द प्लेट। अगर प्लेट के बीच, इसको डायलेक्ट्रिक का मतलब होता है वैद्युतशीलता, सॉरी डायलेक्ट्रिक जिसको के कहते हैं, ठीक है। अब अगर आपने प्लेट के बीच कोई भी एक पदार्थ रख दिया, उठा करके कांच रख दिया, उसमें माइका रख दिया, तो उसका सी बढ़ जाता है, यानी सी प्रोपोर्शनेट के। तो ये मीडियम के परावैद्युतांक, इसको परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ। अगर परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा इसके बारे में अभी बात की जाएगी, फिलहाल यहां पर याद कर लीजिएगा। तो ये आपका कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है। अब अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कैसे कैपेसिटेंस निकाला जाता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक सेकेंड, देखिए लैंग्वेज जो हम बोलेंगे वही आपको लिखना है कि सपोज ए एंड बी आर टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ईच हैविंग एरिया ए एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। माना ए और बी दो प्लेट्स हैं, या पी और क्यू मान लें, पी और क्यू दो प्लेट्स हैं जिनकी एरिया ए है और इनके बीच की दूरी डी है, और इसके बीच कोई मीडियम है, मान लेते हैं मीडियम है, आपने माइका रख दिया, माइका सनमाइका नहीं है, माइका एक अभ्रक होता है उसको माइका कहते हैं, एक मेटल है, माइका रख दिया, हमने कांच रख दिया, कुछ भी रख दिया, कैसे वो काम करेगा वो बाद में बताया जाएगा। और प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू प्लेट पी, हमने किसी भी तरीके से इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, किसी प्लेट को चार्ज करने के कई तरीके हो गए, कैसे हमने बैटरी से चार्ज कर दिया इसको, ये भी तरीका हो सकता है, हमने एक दो मेटल्स लिए, दो पदार्थ लिए, उनको रगड़ा आपस में, रगड़ने से एक पॉजिटिव हो गया एक निगेटिव हो गया, पॉजिटिव को लाके इसको छुआ दिया तो वो पॉजिटिव चार्ज पूरा इसमें आ गया, वो तरीके कई हो सकते हैं। और इसके इनर पार्ट में माइनस क्यू चार्ज हो गया और इसके आउटर पार्ट को हमने अर्थ से जोड़ दिया, इसके बीच एक मीडियम है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें क्रिएट हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होगी, इसको डॉटेड दिखा दीजिए या ना दिखाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। जरा समझिएगा, हमने मीडियम मान रखा है कि मीडियम का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, आपको कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू अपान वी, तो आपको वी निकालना है, वी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो आपको ई निकालना है, और ई का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपान ए, तो यहां से आपका प्रूफ स्टार्ट होगा, ठीक है। ई का फॉर्मूला आपने गॉस थ्योरम में प्रूफ किया है, तो उस गॉस थ्योरम से देख लीजिएगा कैसे डिराइव होकर के आया है, वहां था दो प्लेट्स हैं उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए, और अगर मीडियम है तो यहां पर आ जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। तो हमने थ्योरी क्या लिखी कि सपोज पी एंड क्यू आर टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी, प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द प्लेट पी क्यू प्लेट पी एंड बाय इंडक्शन माइनस क्यू चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द इंटीरियर ऑफ दिस प्लेट एंड द आउटर साइड ऑफ दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू द अर्थ, ठीक है। इतनी लैंग्वेज लिख दीजिएगा, देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, वैद्युत क्षेत्र प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र। अच्छा सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपान ए, एज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए, एज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए, ये आप पढ़ चुके हैं। सो
ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा को क्यू अपान ए कर दीजिए तो क्यू अपान ए के एप्सिलॉन नॉट, ये क्या निकला इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको निकालना क्या है सी बराबर क्यू अपान वी, ये वी निकालना है। तो पोटेंशियल, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स निकालेंगे, बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में विभव निकालेंगे, विभवांतर। V बराबर क्या होता है E इंटू डी। इसके लिए पहले के जो चैप्टर्स हैं वो तैयार होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसमें खास बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन पहले चैप्टर में निकला था वो लास्ट चैप्टर तक मूव करेगा, तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। केवल लाइट वाला पोर्शन वहां जो पढ़ेंगे वो छोड़ के, रेस्ट में सब कनेक्टेड है, वो पढ़ लीजिएगा। ई की वैल्यू रख दीजिएगा क्यू अपान ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये पोटेंशियल निकल आया। अब इसका आपको कैपेसिटेंस निकालना है। तो जब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालेंगे तो C इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान वी। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान वी, वी का मान रख दो तो C इज इक्वल टू क्यू, वी की वैल्यू क्या है क्यू डी अपान में ऊपर जाएगा ए के एप्सिलॉन नॉट, तो सी इज इक्वल टू क्यू, क्यू कैंसिल हो जाएगा तो ए के एप्सिलॉन नॉट अपान डी। ये आपका किसी कैपेसिटर के प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है। अब साफ साफ दिख रहा है ए ऊपर है, यानी एरिया बढ़ेगा तो सी बढ़ेगा, के डायरेक्टिक कॉन्स्टेंट बढ़ेगा तो सी बढ़ेगा, और D नीचे है D बढ़ेगा तो C घटेगा। अभी हम इसके पहले बता चुके हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस के इन्वर्सली होता है। तो ये आपका कैपेसिटेंस हो गया, कब, जबकि दोनों प्लेटों के बीच में जो मीडियम है वो कोई ना कोई है जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है। अब एक स्पेशल केस यहां पर लिख के चलते हैं, एक स्पेशल केस कि अगर दोनों प्लेटों के बीच में वैक्यूम हो, इफ देयर इज वैक्यूम, देयर इज वैक्यूम संभव नहीं है इसलिए हम मान लेते हैं एयर है बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में क्या है अगर वैक्यूम है तो के की वैल्यू क्या मानी जाती है वहां पर वन मानी जाती है, तो सी को मान लीजिए सी नॉट वैक्यूम में, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो ये वैक्यूम के लिए हो गया। अब मान लीजिए प्रूफ आपके यहां आ गया और उन्होंने आपसे कहा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, यहां लगा दिया एयर कैपेसिटर, मान लेते हैं शुरुआत में ही एयर कैपेसिटर लगा दिया, तो आपने जो पूरा प्रूफ किया है ना उसमें K को पहले से ही वन मान लीजिएगा, K को बिल्कुल पहले से ही गायब कर दीजिएगा, तो कहीं भी K नहीं आएगा। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, यहां पर K इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फाइनली ये वाली वैल्यू आपको आ जाएगी। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें कि C और C नॉट का रेशियो निकालें आप तो इज इक्वल टू K आएगा, C इज इक्वल टू के सी नॉट, यानी अगर एयर में कैपेसिटेंस सी नॉट है और आपने प्लेट के बीच में कोई मीडियम रख दिया है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो वहां कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा उसका के टाइम्स हो जाएगा, जितनी भी उसकी के की वैल्यू होगी, यानी उसको चार्ज ज्यादा उसमें स्टोर हो पाएगा। क्यों होगा अभी मैं अगले टॉपिक में बता रहा हूं। तो ये तो हो गया जाकर के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहले हमने दोनों प्लेटों के बीच में मीडियम रखा पूरे में भर दिया और बाद में दोनों प्लेटों के बीच में हमने वैक्यूम कर दिया, के को वन कर दिया। अब कह रहे हैं कि अगर आपने दोनों प्लेटों के बीच जो मीडियम रखा वो पार्शियल रखा, पूरा नहीं रखा, आधा रखा। देखिए ध्यान से, अगला टॉपिक है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो है लेकिन दोनों प्लेटों के बीच में पार्शियली आपने कोई प्लेट रखी हुई है तब क्या होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस
ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्टली फिल्ड विद डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस, पार्टली फिल्ड विद डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। यानी आंशिक रूप से पदार्थ रखा हो, आंशिक रूप से पदार्थ रखा गया है, पदार्थ रखा हो तब क्या करेंगे समझिएगा। देखिए ये यहां पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा, और इनके बीच की दूरी हमने क्या मानी है डी। अब हमने क्या किया, ये पी और क्यू दो प्लेटें थी, हमने क्या किया पी प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया और इंडक्शन से यहां पर माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो गया, माइनस क्यू, और इसको हमने आर से जोड़ दिया। इस पूरे में एयर भरी हुई है। अब अगर इसके बीच में एक प्लेट रख दें हम, किसी भी चीज की है, ये माइका प्लेट हो सकती है, ये कांच की प्लेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसकी मोटाई हम ले लें टी, और इस प्लेट का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है। ये प्लेट किसी भी चीज की हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि पूरी मोटाई कितनी थी डी, डी में टी थिकनेस तक मीडियम है, और डी माइनस टी जो बचा हुआ पार्ट है वो एयर है। अब देखिए आपको सी निकालना है, सी होता है क्यू अपान वी, तो आपको V निकालना है, V होता है E into D, तो आपको E निकालना है, E होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहां दो लफड़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायलेक्ट्रिक स्लैब और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीडियम में निकालेंगे, फिर इस डायलेक्ट्रिक स्लैब में यानी कि एयर में निकालेंगे। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो लैंग्वेज लिखेंगे कि प्लस क्यू चार्ज इसको दिया गया है, इंडक्शन से इसमें माइनस क्यू चार्ज हो गया है, इसको आर से जोड़ दिया गया है, इसके बीच की दूरी डी है, और इसके बीच में टी थिकनेस की एक स्लैब रखी है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर, इन द एयर बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट, पहले एयर में निकालते हैं, तो उसको हम इंडिकेट किसे करेंगे ई नॉट, क्या फॉर्मूला होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये एयर के लिए हो गया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम ई निकालेंगे तो क्या आएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां पर के वन था एयर के लिए, मीडियम में के की वैल्यू के मानी है आपने। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे प्लेट के बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट, उसको एक साथ निकालेंगे बिटवीन द प्लेट्स, वी बराबर ध्यान से समझिएगा, हमने कहा ई इंटू डी, अब ई तो दो हो गए, तो जब हम लिखेंगे ई, ई किसके लिए लिख रहे हैं मीडियम के लिए, तो मीडियम कितना चौड़ा है टी, तो ई इंटू टी लिखेंगे प्लस, फिर एयर लिखेंगे, एयर क्या है ई नॉट, इन एयर कितने में है डी माइनस टी, इतने में एयर है, तो यहां क्या लिखेंगे डी माइनस टी, ये बात समझ में आ गई होगी। ई की वैल्यू रख दो तो ई क्या आएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आएगा टी अपान के प्लस डी माइनस टी। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है क्यू अपान ए, तो ये हो जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपान के। यहां लिख देंगे वेयर सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान ए। अब आपका वी निकल आया, C इज इक्वल टू क्या होता है Q अपान वी, तो C को Q अपान वी कर दीजिए,
द कैपेसिटेंस यानी धारिता, ये क्या होती है धारिता ऑफ कैपेसिटर, सी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान वी, वी का मान रख दो तो क्या आएगा क्यू अपान क्यू डी माइनस टी प्लस टी अपान के, और अपान में जो है ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा क्यू क्यू कट जाएगा तो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। ये आपका कैपेसिटेंस हो गया कब, जब प्लेट के बीच में मेटेरियल जो मीडियम रखा गया है वो आपका पार्शली रखा हो, पूरे में ना रखा हो थोड़े से पार्ट में रखा हो। ठीक, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस यहाँ पर हैं, इसी से बेस्ड हैं, उन्हें जरा समझ लीजिएगा स्पेशल केसेस, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तब आप उसकी वैल्यू लिखेंगे। देखो पहला केस समझिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ये जो आपने प्लेट रखी है ना वो पूरे में रखी हो, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब स्लैब इज प्लेस्ड इन इंटायर कैपेसिटर, यानी कि जो थिकनेस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी डी के, तो यहां इक्वेशन वन में टी को डी रख दीजिएगा तो बाय इक्वेशन वन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस डी प्लस डी अपान के, डी डी कट गया ये के ऊपर जाएगा तो आ जाएगा ए के एप्सिलॉन नॉट अपान डी। आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले हमने पूरे मीडियम पूरे कैपेसिटर के बीच में मीडियम रखा था जिसका डायरेक्टिक कांस्टेंट के था, उसके लिए सी की वैल्यू यही प्रूफ होके आई है। दूसरा प्लेट कह रहे हैं कि अगर पूरे प्लेट के बीच में एयर हो, इफ स्लैब इज एब्सेंट, अगर ये जो डायरेक्टिक स्लैब है ये एब्सेंट हो जाए तो दूसरा केस समझिएगा, ये कह रहे हैं इफ डायरेक्टिक स्लैब इज एब्सेंट, यहां से एब्सेंट हो जाए नो स्लैब इज देयर, यानी कि यहां पर क्या हो जाए एयर, तो यानी कि यहां पर जो टी की वैल्यू हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। अब आप कहेंगे के वन हो जाएगा, के आएगा ही नहीं, सो बाय इक्वेशन वन सी क्या निकलेगा ए एप्सिलॉन नॉट टी को रखा जीरो, ये दोनों जीरो हो गए अपान डी। इसके पहले आप प्रूफ कर चुके हैं उसमें जहां पर के को हमने वन रखा था वहां पर ये प्रूफ आया था। ठीक है, तीसरा केस है कि अगर मान लिया ये जो स्लैब रखी है ये मेटल शीट होती, इफ दैट इज स्लैब इज अ मेटल शीट, तीसरा केस है ये जो स्लैब है इज अ मेटल शीट मेटल प्लेट। देखो मेटल प्लेट में याद रखिएगा कि फॉर मेटल प्लेट की वैल्यू में के उसके लिए इनफाइनाइट होता है, ये याद रखिएगा, उसका जो के होता है वो इनफाइनाइट होता है याद रखिएगा। तो बाई क्वेश्चन वन के को रखो इनफाइनाइट तो समथिंग अपान इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा तो सी क्या आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी, ये हो गया। इसके बाद अगला केस है कि मान लिया ये लैंग्वेज आपने आप लिख लेंगे अगले केस की, कि मान लिया बहुत सारी प्लेट्स रखी आपने, इफ सो मेनी प्लेट्स जिनके बीच की भाई आपने ये कैपेसिटर बनाया था, यहाँ पर एक प्लेट ये रख दिया है एक प्लेट ये रख दिया है एक प्लेट ये रख दिया है, जिनके डायरेक्टिक कॉन्स्टेंट के वन के टू के थ्री हैं, उनका थिकनेस टी वन टी टू टी थ्री है, तो सी क्या हो जाएगा अगला केस है, सी हो जाएगा आपका ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस, जहाँ टी लिखा है वहाँ लिखेंगे आप टी वन प्लस टी टू प्लस वन, और जहाँ टी अपान के लिखा है वहाँ लिखेंगे टी वन अपान के वन प्लस टी टू अपान के टू प्लस वन। तो ये कैपेसिटेंस का कैपेसिटर का कंसेप्ट है। अब आगे कंसेप्ट ये होगा कि भाई मान लिया ठीक है हमने कैपेसिटर बनाया
उसकी कैपेसिटी मान लिया 5 माइक्रोफेरड थी और हमको ज़रूरत है 50 माइक्रोफेरड की, तो या तो 50 माइक्रोफेरड के बहुत सारे कैपेसिटर बनाए या कुछ कैपेसिटर को जोड़ करके रख दिया जाए, यानी जोड़ा सिखाया जाएगा। ये भी हो सकता है कि हमको ज़रूरत है 1 माइक्रोफेरड की और मैंने 5 माइक्रोफेरड का बना रखा है, उससे छोटा होता नहीं है, बन नहीं पा रहा है, तो हम कैसे अरेंज करें उनको सीरीज में पैरेलल में, तो कि उसकी वैल्यू बढ़ सके या घट सके, वह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कर लीजिएगा, शुरुआत का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने वाला है, ध्यान से समझिएगा। ओके, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।